ये आज हमारा थर्ड लेक्चर है। दो लेक्चर्स हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन कर रहे हैं या किसी वजह से उनको इंटरनेट की वजह से लेक्चर्स नहीं मिले थे, वो व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक ले सकते हैं। आपको कोऑर्डिनेटर के थ्रू लेक्चर्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इस वक्त आपने किसी पुराने लेक्चर की बात नहीं करनी। इस वक्त आपका सारा फोकस, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर पे होगा, ताकि जब लेक्चर एंड हो तो आप सुकून से टॉपिक अपना कंप्लीट कर चुके हों। मैं आपके सामने बात शुरू करता हूं। लीडरशिप का एक स्टाइल दोस्तों ये होता है कि लीडर का मिजाज ये होता है कि एक मिजाज कि वो सब चीज डिक्टेट करना चाहता है, यानी वो ये चाहता है कि मैं सब चीजों को डिक्टेट करूं, मैं सब चीजों को रूल करूं, मैं खुद सब चीजों को मैनेज करूं और आई डोंट नीड एनीवन जो मुझे कुछ बताए। मैं डिक्टेट करूंगा और मेरी बात सब फॉलो करेंगे। ये एक सोच है। दूसरी सोच ये है कि मैं डिक्टेट नहीं करूंगा, मैं सब कुछ अपने एम्प्लॉइज पे छोड़ दूंगा, अपनी टीम वालों पर, वो फैसला खुद करेंगे। एक सोच हमारे सामने ये है कि मैं सारे फैसले खुद करूंगा। लीडरशिप की एक सोच ये है, एक तरह की लीडरशिप ये है कि मैं सारे फैसले खुद करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा। और दूसरा ये कि मैं जो करूंगा सबकी सुन के करूंगा। ये बेसिक दो बातें हर एक को पता होती हैं। ये बेसिक दो बातें तकरीबन सबको पता होती हैं। अब यहां से बात शुरू हो रही है। मैंने आपसे कहा दो तरह की लीडरशिप होती है, दो तरह की लीडरशिप होती है जो आम तौर से लोगों के जहन में होती है। अब हम यूं करते हैं कि ये बात तो किताबी सी बात है, एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। जिस बंदे की हमने बात की, हम ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहा है कि हर चीज, एवरीथिंग एज आई से, जो मैं कह रहा हूं ना यार, बस वो फॉलो करना है। इसके आगे अपनी लॉजिक यूज नहीं करनी, अपना रैशनल लेके नहीं आना, अपनी दिमाग अपनी अकल नहीं लड़ानी। ये एक स्टाइल है, इसको आप ऑटोक्रेटिक स्टाइल के नाम से भी जानते हैं, इसको आप डिक्टेटरशिप के नाम से भी जानते हैं, इसको लोग टेल्स भी कहते हैं, इसको लोग वन वे कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि चूंकि ये बातें सारी हम किसी थ्योरिस्ट की पढ़ रहे हैं और जो थ्योरिस्ट जो बात करता है वो उसकी अपनी बात होती है। और ऐसा भी होता है कि एक थ्योरिस्ट एक बात कर रहा हो और थ्योरिस्ट कह रहा है कि मैं एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप को, मेरे साथ बोले मिलके, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप को मिलके बोले, आगे पीछे मत देखिए घर में कौन है, मिलके बोले, एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ लीडरशिप को एक थ्योरिस्ट कहता है कि यह है ऑटोक्रेटिक स्टाइल। कुछ देर बाद एक और थ्योरिस्ट आता है और वो भी एक स्टाइल बताता है
और वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप को भी वो ऑटोक्रेटिक कहता है। लेकिन ऑटोक्रेटिक डिफाइंड बाय थ्योरिस्ट नंबर वन एंड ऑटोक्रेटिक स्टाइल डिफाइंड बाय थ्योरिस्ट नंबर टू, रिमेंबर दे बोथ कैन वेरी, दे बोथ कैन मीन समथिंग डिफरेंट, दे बोथ मे साउंड सिमिलर। ये दोनों थोड़े करीब करीब तो लग सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों थियोरिस्ट अगर किसी चीज का नाम ऑटोक्रेटिक रख रहे हैं तो उनकी ऑटोक्रेटिक से वही मुराद हो, वही बात हो। बल्कि बहुत मुमकिन है कि मैं कहता हूं ऑटोक्रेटिक इन चार बातों को कहते हैं, स्टाइल को, जिसमें चार बातें हैं वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडर है, और उसकी ऑटोक्रेटिक स्टाइल की लीडरशिप है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आप एक थ्योरी दें और आप भी ऑटोक्रेटिक ही कहें, लेकिन आप उसमें यह ऐड कर दें कि ऑटोक्रेटिक वैसे तो सब यही करता है, लेकिन ये देयर आर सब एक्सेप्शंस कि उस वक्त ऑटोक्रेटिक भी ऑटोक्रेटिक वाला स्टाइल फॉलो नहीं करता, इमरजेंसी ये वो, तो आपने चार बातें ऐड करके भी ऑटोक्रेटिक का नाम नंबर प्लेट यूज कर ली। तो अब क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे? इसका मतलब तो ये बना, इसका मतलब तो ये बना कि एक ने ऑटोक्रेटिक किसी चीज को बोला और दूसरे ने ऑटोक्रेटिक किसी और चीज को बोला। यहां से हम आपका जहन बनाते हैं और कुछ और बात करेंगे साथ साथ, ठीक है? इतना सबने तय कर लिया कि जरूरी नहीं है अगर कोई शख्स कोई लीडरशिप स्टाइल बताए, कोई थ्योरिस्ट कोई लीडरशिप स्टाइल बताए, तो जरूरी नहीं है वही लीडरशिप स्टाइल उसी नाम से हर जगह हो। नाम चेंज हो सकता है, सेम नाम के अंदर फीचर्स चेंज हो सकती हैं। मेरी इतनी बात समझ में आ गई? अभी जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने फौरन सोचना शुरू किया और बताना शुरू किया ऑटोक्रेटिक ऑटोक्रेटिक डिक्टेटर, ये अच्छा है। किसी महफिल में बैठेंगे, कहीं कोई बात कर रहे होंगे, तो उस वक्त आप इन अल्फाज को चुन सकते हैं, इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके बात कह सकते हैं। लेकिन जब चैप्टर 8 होगा और BMBS का पेपर होगा और ICAP का एग्जाम हॉल होगा, तो वहां हम बहुत देखकर सोचकर बात करेंगे। वो इसलिए कि हो सकता है वहां ऑटोक्रेटिक का मायना कुछ और हो, जो थ्योरी पूछी हो उसमें ऑटोक्रेटिक वो ना हो जो फैजान के आज दिमाग के अंदर है, जो दानियाल को आज समझ में आ रहा है, जो उसामा को अभी क्लियर हो रहा है, जो हुसैन के पास पहले से जहन में है। नहीं नहीं नहीं, ये अलग हो सकता है। इतनी बात आई होप सबको क्लियर होगी, ये बात एक डिस्क्लेमर की तरह थी। अब मैं बात शुरू करता हूं। टेनेनबॉम एंड शमिट कंटिन्यू, ये भी थ्योरिस्ट का नाम है, ये भी थ्योरिस्ट का नाम है। कंटिन्यूम कहते हैं एक ऐसे डिस्प्ले को, एक ऐसे विजुअल को, एक ऐसी बात को जिसके अंदर एक एंड से लेके दूसरा एंड कवर हो रहा हो। मैं आपको समझाता हूं, स्क्रीन पर गौर कीजिएगा। दिस इज ऑन माय राइट, एंड दिस इज ऑन द लेफ्ट साइड। One is on the right side and the other extreme is the left side. मैं कहता हूं right side is where the person dictates everything, dictates one way communication करता है, the person dictates everything। कौन? जो इस हद पे आया हुआ लीडर है, इस एक्सट्रीम का लीडर है,
और दूसरी तरफ अटिपिकल डेमोक्रेटिक, आज के डेमोक्रेसी वाले लोग नहीं जो डेमोक्रेसी के नाम पर ऑटोक्रेसी करते हैं, वो तो डेमोक्रेसी को भी सही मायनों में फॉलो नहीं करते। तो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले, यानी कि मैं यूं कह सकता हूं डेमोक्रेटिक लीडर्स। तो एक एक्सट्रीम मनी दोस्तों फुल डिक्टेट करने वाली, और दूसरी एक्सट्रीम मनी की जिसमें आप अपने सारे फैसले दूसरे को दे रहे हो। अब यहां समझने की बात, एक बहुत आसान सी बात है और इंशाल्लाह अभी आप सबको क्लियर हो जाएंगे। मुझे बताएं प्रैक्टिकली दुनिया इन दो एक्सट्रीम्स पे ही चलती होगी या कुछ बीच वाली पोजीशंस भी होंगी? जी बताएं प्लीज, ये कुछ बीच में ही पोजीशंस होंगी या प्रैक्टिकली दुनिया कुछ होंगी, इन बिटवीन कुछ होगा या नहीं होगा? यस या नो, इसके इन बिटवीन कुछ होगा या नहीं होगा? यस, बेहतरीन हो गया, सबने ये बात की कि इन बिटवीन कुछ होगा। अब जो इन बिटवीन सारा मामला होगा ना दोस्तों, आए उस पर गौर करते हैं, गौर करते हैं। यू समझ लें टेनेनबॉम एंड शमिट का मॉडल जो है वो आपको इवेंचुअली, टेनेनबॉम एंड शमिट का मॉडल ये आपको यही पढ़ाएगा, एक एक्सट्रीम से लेके चलेगा, दूसरी एक्सट्रीम तक लेकर जाएगा और दोनों एक्सट्रीम्स के बीच के कुछ हालात बताएगा। जैसे यूं समझें, मैं एक बहुत मटीरियलिस्टिक आदमी था, सब मेरे साथ है ना, मेरी एग्जांपल समझिएगा प्लीज। दुनिया यूं समझे, एक शख्स बहुत ही मटीरियलिस्टिक था, पैसा उसका दीन था, मोरल्स वैल्यूज एथिक्स कोई चीज नहीं थी, डॉलर करेंसी पैसा प्रॉफिट रेट इंटरेस्ट यही उसको अच्छा लगता था। वो वहां से कन्वर्ट होना शुरू हुआ और जाकर इवेंचुअली एक ऐसा खुदा से डरने वाला वो ट्रेडर बना कि वो एक एग्जाम्पल बन गया कि यार अब वो ईमानदारी से बिजनेस करता है, कोई दो नंबरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये क्या कुछ ही दिन में बन गया, कुछ ही देर में बन गया? वो तो इतनी गलत प्रैक्टिसेस में था, उसके तो अनलॉफुल बिजनेस भी थे, वो तो हराम काम भी करता था, वो तो ऐसे काम करता था जो लीगली भी हराम है, रिलीजियसली भी हराम है। वो वहां से चला और आज एक एथिकली मोरली अपराइट किस्म का बिजनेसमैन बन चुका है। तो उसकी जो पूरी स्टोरी आप गौर से देखेंगे ना, तो उसके बीच में मुख्तलिफ फेजेज आएंगे, फेज थोड़ा चेंज आया, फिर थोड़ा चेंज आया, फिर उसने और मेहनत की, अब वो हर चीज लॉज एंड रेगुलेशंस को देख के चलता है। इस पूरी स्टोरी को हम बोलेंगे कंटिन्यूम ऑफ चेंज, फ्रॉम द डार्कर साइड ऑफ द लाइफ टू द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ, वो आ चुका। एंड आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब आपको पता है कि हम लेक्चर शुरू करने से पहले और यानी टॉपिक के बारे में बात करने से पहले उसके लिए पूरा ग्राउंड बना देते हैं, फिर टॉपिक समझना मुश्किल नहीं होता। तो अब मैं आपके सामने कुछ बातें करूंगा, टू वे कम्युनिकेशन की दुनिया शुरू हो रही है, आपने बहुत बहुत अच्छे से बातें करनी है, यानी जवाब देना है मेरी बातों का, और इन बातों का जवाब इंशाल्लाह इवेंचुअली इवेंचुअली हमें दिखेगा कि हमसे हमें इससे बातें समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों, आप लोग सब रेडी हैं? कुछ सवाल और जवाब के लिए आप लोग रेडी हैं? आप लोग क्विक क्विक जवाब देंगे, हम कुछ अंडरस्टैंडिंग्स को अलाइन कर लेंगे और इसके बाद हम यहां से क्विकली इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी समझ जाएंगे। रेडी हैं? पहले तो अपने आप को एक पोजीशन में ले आए कि आपके पास चार्ज मौजूद है, आपके पास पावर मौजूद है, आपके पास अथॉरिटी मौजूद है और आपके पास टीम मौजूद है जिसको आप डिक्टेट कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। आपने करना क्या? आपने करना ये है कि
सिंपली आपने अपने आप को उस पोजीशन में जाके सोचना है जो हम स्क्रीन पे आ रही है। सबको स्क्रीन का कलर चेंज होता हुआ दिख गया, सबके पास स्क्रीन चेंज हो गई होगी, ठीक है। मुझे बताएं, आपको मैंने कहा आपके पास आप इंचार्ज हैं, तो ये रिश्ता कौन सा बना, मैनेजर और सबऑर्डिनेट का। वॉच सुनते जाएं प्लीज, ये रिश्ता कौन सा बना दोस्तों, मैनेजर और सबऑर्डिनेट। अब मुझे एक सवाल पूछना है आपसे, मैनेजर क्या सारे मैनेजर ऐसे होते हैं कि वो अपना 100% काम, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ज्यादा बेहतर होगा, देखिए ये कलर बेहतर होगा, 100% काम अपना सबऑर्डिनेट को दें, क्या मैनेजर हर काम अपने सबऑर्डिनेट को दे सकता है, बताएं। आप कह रहे नहीं, वाह यार सब कह रहे नहीं, ये कैसी बात हो गई, कोई तो बात है। वो अपना सब काम सबऑर्डिनेट को नहीं देता। मैं ये कहता हूं, थोड़े से वर्ड्स चेंज करते हैं एग्जाम्स के लिए, क्या वो अपनी हर टास्क को डेलीगेट करेगा। डेलीगेट करने का मतलब जानते हैं ना दोस्तों आप, डेलीगेट करने का मतलब होता है अपना काम दूसरे को देना, सही। यानी अपना काम दूसरे को देने का मतलब ऐसा नहीं कि मैनेजर के करने का काम था, उसने अपना काम अपने जूनियर को दे दिया, नहीं 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 नहीं, नहीं। उसको जूनियर्स दिए ही इसलिए हैं कि वो काम आगे असाइन करे और देखिए कि जिस जगह उसको काम में वैल्यू ऐड करनी है, जो काम उसका खुद करने का है वो खुद करे, और जो काम उसके करने के खुद नहीं है, पेटी काम है, बच्चों वाले काम है, पेटी इश्यूज है, वो काम अपने जूनियर से कराए, और जब वो सबऑर्डिनेट्स बड़े हो जाएं, थोड़े एक्सपीरियंस हो जाएं, तो उनके ऊपर लोड शिफ्ट करेगा और अपने लोड को मजीद बढ़ाएगा और चैलेंजिंग टास्क आगे लेगा। इस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ वर्क, के काम को टास्क को डेलीगेट करना। फर्म में जाते हैं, पहले दिन सारा काम आपको नहीं मिलता, आपको वाउचिंग कराई जाती है, बेसिक काम दिया जाता है, लेकिन 2 साल बाद जब आप फर्म में होते हैं, आप चाहें भी तो आपको वाउचिंग नहीं मिलेगी, आपको तो बहुत सारे क्लाइंट्स देखने पड़ते हैं। अब सुनो, अब सवालात का सिलसिला शुरू, और स्क्रीन चलती जाएगी और मैं और आप बात करते जाएंगे। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। पहली बात, क्या ये फैसले करने होते हैं मैनेजर को, मेरा सवाल है आपसे, कि मुझे कौन सा काम आगे डेलीगेट नहीं करना, क्या ये उसके फैसलों में शामिल है। सवाल का जवाब चाहिए मुझे, क्या मैनेजर के फैसले में ये शामिल है कि मुझे कौन सी चीज डेलीगेट नहीं करनी। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, कौन सी चीज डेलीगेट नहीं करनी। तो अगर मैं कहता हूं कौन सी चीज डेलीगेट नहीं करनी, तो दोस्त इसका मतलब ये भी तो बना, कौन सा काम खुद करना है। कैन आई से लाइक दिस, कैन आई से लाइक दिस, समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों को? हाँ स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? अब बेहतरीन, थैंक यू सो मच जी भाई, चैट बॉक्स माशाल्लाह भर रहा है। कौन सा काम खुद करना है, ये फैसला करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं ऐसे काम में लग गया जिसकी प्रोडक्टिविटी कम है और वो काम फैला हुआ ज्यादा है, तो जो मेरी सलाहियतें बड़ा काम कर सकती थी वो तो नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर बॉस
अपने एम्प्लॉइज और अपनी टीम का टाइम आई टाइम इन एंड टाइम आउट लिखने बैठ जाए, यानी टाइमिंग्स को नोट करने बैठ जाए, तो इससे फारिग बॉस नहीं होगा दुनिया में। टाइम इन भी लिख रहा है, टाइम आउट भी लिख रहा है, तो वो क्या चाह रहा है? वो तो टाइम इन भी खुद लिख रहा है, टाइम आउट भी खुद लिख रहा है, पूछ भी रहा है कहाँ जा रहे हो, दरवाजा भी खुद ही बैठा है वहीं पे, काम भी खुद कर रहा है, हर एक से पूछ भी रहा है, सीसीटीवी कैमरा को भी खुद मॉनिटर कर रहा है। ये बंदा तो इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ वर्क जानता ही नहीं है। जैसे ये बात आपको समझ में आ रही है क्रिस्टल क्लियर, क्या वैसे ही आपको ये बात भी समझ में आई कि ये फैसला बहुत चीजों पे डिपेंड करता होगा, कौन सा काम खुद करना है? बताओ भाई दोस्तों, मेरी बात पे एग्री करो कि ये डिपेंड करता होगा बहुत सारी चीजों पे कि कौन सा काम खुद करना है। डिपेंड्स यानी कि यस, ऐसा तो है कि कुछ काम खुद करने हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन पता नहीं कितनी बातों पर, ऐसा है? अग्रीड। आप चैट बॉक्स पे यस नो करते रहिएगा, बिकॉज मैं चैट बॉक्स देखता रहूंगा। आई फील लाइक दैट यू आर हियर इन द क्लासरूम सिटिंग इन ऑडिटोरियम वन ऑडिटोरियम टू एंड आई एम गिविंग द लेक्चर लाइव टू यू गाइस। So, आपने ऐसे ही रहना है। अब अगली बात, अगर मैनेजर ये कहता है, उसके उसके दिल में ये बात आती है, उसके दिल में मैनेजर की ये बात आती है कि यार मैं अपने सब ऑर्डिनेट्स को ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं अपने जूनियर्स को ट्रस्ट नहीं कर सकता, आई कैन नॉट ट्रस्ट देम, मैं तो इन पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं इन पे किसी तरह का भी यकीन नहीं कर सकता, ये लोग दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी। तो मुझे बताएं, अगर ऐसा मामला होगा कि वो ट्रस्ट नहीं कर सकता, ट्रस्ट नहीं, आई कैन नॉट ट्रस्ट माय सबऑर्डिनेट्स, आपको सोचना इसी में ही है, आपने अदर वे राउंड अभी नहीं सोचना, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, आपने सोचना दोस्तों इसी तरीके से, ठीक है? जैसे बताया जा रहा है, राइट लेफ्ट नहीं सोचना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कहा मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, तो क्या लिखा है मैंने? इफ दिस इज द केस देन द मैनेजर वुड बी हैविंग थ्री करेक्टरिस्टिक्स। गेम शुरू हो गया दोस्तों। ऐसा मैनेजर, आप लोग मेरा सवाल सुनिए, अभी कोई चैट पे नहीं लिखेगा, सवाल ये है, अगर केस ये है कि मैनेजर की तीन करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये तीन के अलावा आप चार भी बता सकते हैं, दो भी बता सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप कोशिश करें तीन सोचें, वो क्या तीन करेक्टरिस्टिक्स होंगी किसी मैनेजर की? रिपीट करो मेरे साथ, वो क्या तीन करेक्टरिस्टिक्स होंगी किसी मैनेजर के अंदर जो उसको अपने सब ऑर्डिनेट्स पे ट्रस्ट नहीं करने देंगी? मेरा सवाल समझ गए? यस नो, मेरा सवाल समझ गए? वो कौन सी तीन करेक्टरिस्टिक्स होंगी? मैं रिपीट करता हूं, वो कौन सी तीन करेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो मैनेजर की तीन बातें, मैनेजर के अपने अंदर तीन चीजें कौन सी होंगी जो वो अपने सब ऑर्डिनेट्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकता या ट्रस्ट नहीं कर सकेगा या वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा? वो तीन बातें आपने 1 2 3 करके मुझे लिख के भेजनी है। मैं चैट बॉक्स पे आपका वेट कर रहा हूं, आपके पास है 60 सेकेंड्स। स्टार्ट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बेहतरीन, अब्दुल्ला शेख का जवाब आ गया, रोहा चौधरी का जवाब आ गया, आकाश नुमरो, आकाश एक जवाब नहीं आएगा, तीनों एक साथ आएंगे। अलिशबा का जवाब आया, गेटिंग द वर्क परफेक्टली डन, नो ट्रस्ट ऑन सबऑर्डिनेट्स। अच्छा जी, और बताएं, कहाँ है वहां जल्दी?
जबरदस्त, उसामा का जवाब आ गया, सागर आया, साद आया, हारिस, हारिस का भी आ गया, मोहम्मद अली आरिफ, एहसन नगरिया, हसन, इजहार, अलिशबा, वाजिद, अब्दुल वाजिद, एहसन सलीम, अच्छा जी, उमर भवानी, अनीस, सुफियान, अल्तमश, जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब बढ़ते हैं आगे। थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन। अब आप इंशाल्लाह इससे खुश होंगे कि आपकी बहुत सारी चीजें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें आपकी मैच करेंगी, बहुत सारी चीजें मैच करेंगी। देखिएगा, एक, डजंट फील लाइक ट्रस्टिंग। कुछ लोगों के मिजाज में ही नहीं होता, शक्की नेचर के होते हैं, इतने स्केप्टिकल होते हैं, मतलब दे कैन नॉट ट्रस्ट इवन देयर पेरेंट्स। होती है ना कुछ ऐसी अवाम, कुछ ऐसी मखलूक, बिल्कुल वो कहते हैं ट्रस्ट इश्यूज, सीरियस ट्रस्ट इश्यूज होते हैं लोगों को। दूसरी बात, हैज नो सच एक्सपीरियंस, जिंदगी में कभी ट्रस्ट किया ही नहीं है भाई, सारा काम खुद करते आए हैं। अरे भाई, अब मैनेजर बन गए हो, लेकिन छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। ठीक है भाई, तो बिल्कुल यही बात वो बोल रहे हैं, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम टू एवरीथिंग। तीसरी बात, फेयर ऑफ गेटिंग दी वर्क रियूम्ड। कुछ लोगों को ये होता है कि यार कहीं मेरा काम सारा खराब ना हो जाए, तो वो इसलिए भी अपने जूनियर्स पे ट्रस्ट नहीं करते। ये तीन करेक्टरिस्टिक्स हो गई, क्लियर हो गई। ये आपको पता है ना, मॉडल की अंडरस्टैंडिंग के लिए फाउंडेशन डाली जा रही है, इसको आपने कॉपी नहीं करना है, इसको सिर्फ जहन में बिठाना है, बस। समझ में आ रहा है? इट्स इनफ। थ्री करेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिंग दी कॉन्टेक्स्ट वर्क रिलेटेड फैक्टर्स। अब सवाल चेंज हो रहा है, अभी जो बात की थी वो मैनेजर के बारे में थी, अब जो बात आ रही है दोस्तों वो बात इस बारे में आएगी कि वो मैनेजर डेलीगेट नहीं कर रहा, मैनेजर आगे काम नहीं दे रहा, बिकॉज काम के अंदर कोई तीन बातें ऐसी हैं। सोचें जरा प्लीज और मुझे जवाब दें, मेरे सवाल समझ में आ गया? मैनेजर पहले आगे नहीं कर रहा था सवाल, आगे काम नहीं दे रहा था अपना, उसके पीछे एक रीजन था और रीजन उसकी अपनी जात थी। अब जो रीजन है वो ये कि काम ऐसा है कि वो आगे डेलीगेट नहीं कर रहा। मुझे बताएं कौन सा काम होगा? दोस्तों तीनों बातें एक साथ लिखेंगे तो मैं आपका आंसर पढ़ूंगा, एटलीस्ट नंबरिंग करके लिखें। प्रिवेसी इश्यूज लिखा है, सीक्रेसी एंड डिफिकल्टी लिखा है, और बताएं जी, कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छा पॉइंट है, सबऑर्डिनेट्स के लिए हैवी है, बहुत भारी काम है लड़के ने लिखा है, इंपॉर्टेंट काम है, इनएक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट है, कॉम्प्लेक्सिटी है दोस्त। इनएक्सपीरियंस सबऑर्डिनेट का मतलब है आप सबऑर्डिनेट पे चले गए, मैं काम की बात कर रहा हूं। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त पॉइंट्स। कॉन्फिडेंशियल इज द मोस्ट मोस्ट कॉमन थिंग। अच्छा, आपकी चैट बॉक्स से मैं अपनी टीचिंग स्क्रीन पे आता हूं। पहली बात ये थी कि इतना अर्जेंट काम था, किसी को दे सकते ही नहीं थे, टाइम ही नहीं है। सो आई एंड और हु द मैटर इज ही और शी नीड्स टू गेट इट डन एसैप। अर्जेंसी इज द रीजन। नंबर टू इज कॉन्फिडेंशियलिटी। मुबारक हो भाई, बहुत सारे पॉइंट्स आए थे कॉन्फिडेंशियलिटी के। तीसरी बात है डिफिकल्टी ऑफ द वर्क, मुश्किल काम। चौथी बात, स्ट्रेटेजिक नेचर का काम है भाई, ये डिसाइड करना है
बिजनेस कराची में कामयाब हुआ। कराची में एक बेकरी है, उसका नाम है पाई इन द स्काई, और ये पाई इन द स्काई वाले जो हैं, इन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया और ये हैदराबाद चले गए। ये हैदराबाद जाने का फैसला कौन सी नेचर का फैसला है बताएं, स्ट्रेटेजिक या ऑपरेशनल? इन्होंने कराची में कामयाबी के बाद अपनी ब्रांच हैदराबाद में खोली, तो बताएं ये कौन सी नेचर का फैसला है? हैदराबाद जाना कौन सी नेचर का फैसला है? स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल नहीं है दोस्त। ये स्ट्रेटेजिक है, जिसने ऑपरेशन लिखा है प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, क्योंकि ऑपरेशनल फैसला डे टू डे ऑपरेशन रिलेटेड होता है। हैदराबाद की बेकरी चलानी कैसे है, प्रोडक्ट ऑन ऑफरिंग क्या होगी, प्राइसिंग क्या होगी, मार्केटिंग क्या होगी, ये किसी हद तक ऑपरेशन में जरूर आ जाएगा। ये ऑपरेशन में नहीं आएगा कि ब्रांच खोलनी है या नहीं। इज इट क्लियर नाउ? ये बात क्लियर हो गई? चले जबरदस्त आगे बढ़ते हैं, एक और इंगेजिंग स्लाइड। अब तो फटाफट जवाब आना चाहिए, तीन बातें वो बताओ जो सबऑर्डिनेट में होंगी, सबऑर्डिनेट्स में होंगी, जिसकी वजह से वर्क डेलीगेट नहीं होगा। 1 2 3 सारी बताओ जल्दी से। जल्दी से दोस्तों, तीन बातें लिख के पूरी देंगे, मैं नहीं पढ़ूंगा। 1 2 3 तीनों बातें। सबऑर्डिनेट में क्या मसाइल हैं कि सबऑर्डिनेट को काम डेलीगेट नहीं किया जाएगा? जी दोस्तों सब पहुंच गए, काफी सारी बातें आ गई हैं। अच्छा जी, अब हम भी देखते हैं कि हमारे आंसर्स और आपके आंसर्स, मुझे उम्मीद है बहुत हद तक मैच कर जाएंगे। इस दफा मैंने ज्यादा बातें लिख दी हैं, जरा गौर से देखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत वार्म रिस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच यार, मजा आ गया, कितनी खुशी हो रही है, आप सब ने बेहतरीन जवाब दिए हैं। अच्छा जी, नॉट विलिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उस बंदे का अपना मसला है भाई, काम देने नहीं चाहता, अनस्किल्ड है, स्किल्ड नहीं है, डीमोटिवेटेड है, अनक्वालिफाइड है, लैक ऑफ एक्सपोजर है, पुअर परसेप्शन अबाउट मैनेजर्स। वो बंदा अपने मैनेजर्स के बारे में बुरी परसेप्शन रखता है तो उसको काम देने का फायदा नहीं है। नॉट फाइनेंशियली अट्रैक्टिव, क्या मतलब? पास्ट परफॉर्मेंस, क्या मतलब? नॉट ट्रस्टवर्दी, क्या मतलब? दे आर रेडी टू फॉलो, नॉट रेडी टू थिंक, यस बॉस कल्चर चाहिए उनको, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। ये बहुत सारी बातें लिख दी मैंने, क्योंकि कोई भी बात मैटर कर सकती है। अब इतना आपको समझ में आ गया कि या तो काम में कोई ऐसा मसला होगा, या मैनेजर में मसला होगा, या फिर खुद सबऑर्डिनेट्स में कुछ ऐसे इश्यूज होंगे कि जिसकी वजह से काम डेलीगेट नहीं किया जाएगा।
अब नेक्स्ट बात, इतनी बात समरी से सब अलाइन हो जाए और बस एक यस कह दें, हमें ये समझ में आ गया कि वाई वुड अ मैनेजर नॉट डेलीगेट पावर टास्क टू सबऑर्डिनेट्स, ये हमें क्लियर हो गया। इसके हंड्रेड्स ऑफ रीजंस हो सकते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तैयारी कर ली। अब मैं आपको बताता हूं, मुबारक हो, एग्जाम में अगर ओपन एंडेड सवाल भी आता है तो हमारे स्टूडेंट्स को इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर एग्जाम में ओपन एंडेड सवाल भी आता है तो इंशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग डेफिनेटली इन लेक्चर्स को रिवीजन के लिए देखा करेंगे, बस इसका खाली देखना काफी था। आगे की बात चलते हैं, गौर करते हैं। अब मुझे बताएं क्या ये बात समझ में आई, एक्सट्रीम साइड क्या है, जीरो ट्रस्ट, और दूसरी एक्सट्रीम क्या है, फुल ट्रस्ट। अग्री करते हैं जी, जल्दी यस नो जी दोस्तों, प्लीज क्लियर है, अग्रीड। हमें ये बात क्लियर हो गई कि भाई कि इसकी दो साइड है। अब मॉडल की बात शुरू हो रही है, हम स्क्रीनशॉट एंड में ले लेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह, डोंट वरी, स्क्रीनशॉट्स को एंड में रखते हैं, इस पर फोकस करते हैं लर्निंग पे, और जो नोट करना है वो वाले स्क्रीनशॉट्स खास बताऊंगा, ठीक है, वो साथ साथ बताऊंगा। लिखा हुआ है द टेनेनबॉम एंड शमिट कंटिन्यूम इज अ सिंपल मॉडल ऑफ लीडरशिप थ्योरी which shows that the relationship between the level of freedom that a manager chooses to give to a team, ye keh rahe hain ye to wo freedom ki baat ho rahi hai jo ek manager apne team ko dena chahta hai, kitna freedom wo allow kar raha hai ki jao yaar karo faisle khud manage karo, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा, ऐसा हर जगह नहीं होगा। आईटी बेस्ड फर्म, सॉफ्टवेयर हाउसेस, उनमें ये काम ज्यादा होंगे। और अगर हम ऑडिट फर्म्स वगैरह को देखेंगे तो वहां पर इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब एंड द लेवल ऑफ अथॉरिटी यूज बाय द मैनेजर, ये तो आसान बात है। अगली बात, एज द टीम्स फ्रीडम इज इंक्रीज्ड सो द मैनेजर्स अथॉरिटी डिक्रीजेस, सिंपल सी बात। मैं यू कहूंगा टीम जितना काम खुद करेगी, यानी टीम को जितना काम डेलीगेट कर दिया जाएगा उतना ही तो मैनेजर्स रिलैक्स हो जाएंगे, उनकी टेंशन खत्म हो जाएगी क्योंकि वो अब दूसरे कामों पर लग जाएंगे। ये बात समझ में आई, क्लियर। अब यहां से आगे दोस्तों, ये डायग्राम है, ये डायग्राम पे हम बात करेंगे भी, और ये वो मॉडल है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम शुरू करने से पहले इसकी पूरी सोच, अंडरस्टैंडिंग, फाउंडेशन, इसकी बेसिक्स को आपके अंदर इंस्टॉल कर चुके हैं। अब बस मॉडल के नाम से बात करना बाकी है, गौर कीजिएगा। एक तरफ लिखा हुआ है वर्क सेंटर्ड लीडरशिप, जिसको हम कहते हैं टास्क फोकस या टास्क ओरिएंटेड। एक सोच है काम की बात, काम की फिक्र है, इसलिए काम का सारा लोड वो अपने ऊपर रखेगा, सारी अथॉरिटी अपने पास रखेगा लीडर, और लीडर सारी अथॉरिटी रख के सारे फैसले खुद करके सिर्फ सुनाएगा,
टेल्स करेगा, ये वो एक्सट्रीम है जहां वो जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करेगा। ऑन द अदर एक्सट्रीम वो सब चीजें डेलीगेट कर देगा, ऑन द अदर एक्सट्रीम वो सब चीजें डेलीगेट कर देगा, यानी कि अब वो अपनी अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस आगे सबऑर्डिनेट को दे देगा। अब वो सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और वो उस काम के लिए जिम्मेदार होंगे, वो ओवरसी करेगा लेकिन काम की अथॉरिटी वो आगे दे देगा। क्लियर हो गई? अगली बात, ये एक और बस वही डायग्राम है। अब कुछ बातें शुरू करते हैं। टेल्स, टेल्स एंड सेल्स, टेल्स एंड टॉक्स, कंसल्ट्स, इन्वॉल्व्स, डेलीगेट्स, एब्डिकेट्स। किसी ने थ्योरी इसकी याद करनी है तो बस सिर्फ इसी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें, इस मॉडल की सिर्फ थ्योरी के लिए। अब इसमें कितने लेवल्स हैं? 7 लेवल्स हैं। और ये जो डायग्राम दिया आपके सामने जिसमें डेलीगेट्स बोला है, ये खाली एक्सट्रीम दिखाई है। डायग्राम के टैग ये सिर्फ समझाने के लिए है। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल डायग्राम ऑफ द मॉडल, तो इसकी स्क्रीनशॉट नहीं लेना, ठीक है? इसका नहीं लेना, इसका भी नहीं लेना, यह अभी सिर्फ जहन बनाया है, स्क्रीनशॉट की जगह आ जाएगी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। जी प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? जी जी दोस्तों बताएं, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब मैं आपको लिख पाऊंगा, अब मैं आपको लिख पाऊंगा। आइए सबसे पहले आपके सामने आएगा ये 5 नहीं बल्कि 4 का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 4 का। अब बताएं, चेक करें, ये 4 दिख रहे हैं आपको? जल्दी से बताएं प्लीज, ये 4 दिख रहे हैं आपको? इन 4 का स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा जी, डायग्राम का वेट करें, आगे। अब इन 4 के बाद इन 3 का अलग से ले लें स्क्रीनशॉट। जी डन हो गया, डन हो गया स्क्रीनशॉट, 7 बातों का स्क्रीनशॉट डन, 4 का अलग हो गया, 3 का अलग हो गया। कोई इशू तो नहीं है यहां तक? ओके जी, अब रेडी हो जाए। अब एक एक स्लाइड लिखने वाली है, एक एक स्लाइड स्क्रीनशॉट वाली है, यहां से आपको गेम समझ में आएगी। पूरा मॉडल यही है जो अब 7 स्लाइड्स आएंगी। सब रेडी है? पूरा मॉडल यही है जो 7 स्लाइड्स आएंगी। ठीक
ठीक है जी, आए जी स्टार्ट करते हैं। क्या बात लिखी मिली दोस्तों हमें जी, ये सारा लिखना है, नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लेके फिर बाद में कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अभी समझने पे गौर कीजिए। सबसे पहला स्टाइल कहलाता है, सबसे पहला स्टाइल कहलाता है टेल्स। सब साथ हैं, सिर्फ एक दफा क्लियर कर लें, आवाज साफ, स्क्रीन क्लियर है। टेल्स के नीचे छोटा सा मार्क दिख रहा है आपको, टेल्स के नीचे छोटा सा मार्क दिख रहा है आपको, जल्दी से प्लीज बताएंगे, प्लीज दोस्तों जल्दी से बताएंगे प्लीज। अब दोस्तों यहां से शुरू हो रही है, ये लिखा हुआ है, ऑन दिस एक्सट्रीम द मैनेजर टेक्स ऑल द डिसीजंस एंड जस्ट अनाउंसेस देम टू द टीम मेंबर्स। सिर्फ फैसला सुनाता है, सिर्फ फैसला सुनाता है, मशवरा नहीं बोला, कंसिडर करना नहीं बोला, कुछ भी नहीं। पेपर में अगर उसने पूछ लिया एक्सप्लेन करो, आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, केस वन लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे, और उसके बाद यहां से यहां तक ओन वर्ड्स में लिख देंगे। इंग्लिश मुनासिब भी होगी, चल जाएगी, बहुत गुलाबी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा आउट इंग्लिश नहीं होनी चाहिए जिससे बात ही समझ में ना आए। बाकी एक मुनासिब दर्जे की इंग्लिश अल्हम्दुलिल्लाह आपकी है और वो वर्क कर जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल, अब साथ साथ एग्जाम्पल भी देनी है, बिल्कुल यही लिख दें अगर कोई लिखना चाहे तो। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी यूनिट्स, आज कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, हमें आज प्रोडक्शन का लेवल क्या रखना है। फॉर एग्जाम्पल, फर्टिलाइजर्स डिवीजन में और केमिकल्स डिवीजन में, तो हमें कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, कितने, दिस अनाउंसमेंट विल ओनली ओनली बी मेड जस्ट कम्युनिकेटेड, नो एक्सप्लेनेशन, नो रीजनिंग एटसेट्रा। मुझे सिर्फ ये बताओ दोस्तों, समझ में आ गया, स्क्रीन चेंज कर दूं या आप रुकेंगे, जरा स्क्रीन शॉट लेंगे, बढ़ जाओ आगे। टेल्स में क्या होगा, टेल्स में क्या होगा दोस्तों, मैं एक दफा रिपीट करता हूं, फैसला सुनाया जाएगा, हमें एग्जाम्पल देनी थी कि जी हमें ये एग्जाम्पल देनी थी दोस्तों कि टेल्स स्टाइल कैसे होता है, तो हमने टेल्स को पहले एक्सप्लेन करना है, थ्योरी हो गई। फिर अगर उसने बोला विद दी हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, तो हमने एग्जाम्पल भी शामिल कर ली, ये हमारे थ्योरेटिकल मार्क्स पूरे हो जाएंगे। बात समझ में आई जी, बिल्कुल एग्जाम्पल साथ लिखेंगे, क्लैरिटी के लिए एग्जाम्पल। अब ये बात हम पहले कर चुके, ये स्टाइल कब सूटेबल होगा, जब लोग एक्सपीरियंस नहीं होंगे और वगैरह वगैरह बातें हो गई पहले ही। नंबर टू,
स्क्रीन चेंज हो रही है जी। टेल्स एंड सेल्स, टेल्स एंड सेल्स, पहले आप पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाता हूं, रीड कीजिए इसको। ये भी पूरा पूरा कॉपी करना है, लेकिन जब मैं हाईलाइट और मार्क कर लिया करूं ना फिर कॉपी क्या कीजिए। इस वक्त कॉपी करेंगे तो मेरी मार्किंग नहीं हुई भी, तो मार्किंग के साथ कॉपी क्या करें। अच्छा जी, टेल्स एंड सेल्स केस टू, डिसीशंस आर एक्सप्लेन्ड, इसके मार्क्स है। आई कैप ये देखेगा, पूरी अंग्रेजी नहीं, काम की बात चाहिए। डिसीशंस आर एक्सप्लेन्ड टू द टीम मेंबर्स, और खास तौर पे उनको उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स शो किए जाते हैं, खास तौर पे पॉजिटिव बेनिफिट्स शो किए जाते हैं। ठीक, डिसीशंस आर एक्सप्लेन टू द टीम, सिर्फ उन्हें एक्सप्लेन किया जाता है और उसके पॉजिटिव बेनिफिट बताए जाते हैं, बताए जाते हैं, बताए जाते हैं, पूछे नहीं जाते, उनको कन्विंस नहीं किया जाता बहुत ज्यादा, उनको बस एक जैसे हम कहते हैं ना यार ये इनको बेनिफिट इंसेंटिव देके चुप करा दिया। अब एग्जाम्पल आप पढ़ें, फिर मैं चाहता हूं कि आप उसको चैट पे समझाएं, हिम्मत करें, देखते हैं कोई जबरदस्त कोई ना कोई समझाएगा। हाँ भाई, कोई समझा सकता है कि द ईद असाइनमेंट्स आर ऑन राइज, ईद के असाइनमेंट बहुत ज्यादा हैं और स्टाफ जो है उनको देर तक बिठाना है, उनको वीकेंड पे ही बिठाना है, तो अब आप उनसे लंबे काम करवा रहे हो, आगे बोल रहे हो लंबे काम के बाद लंबी छुट्टी। कोई कह रहा है सर बटर लगा के काम लेते हैं, क्या बात है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जबरदस्त दोस्तों जबरदस्त, माशाल्लाह आपको समझ में आ गया, ऐसे ही है, बताओ भाई दोस्तों ये बताओ, माशाल्लाह समझ में आ गया सबको, बेहतरीन यार, आप लोग समझते इतना अच्छा है, क्या बात है आपकी, चूना लगा दिया, ये कोई बहुत ही देसी अंदाज में, देसी गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में किसी ने बोला है। अच्छा जी, एनीवेज बेहतरीन, चले आगे थर्ड स्टाइल पे चलूं, सब रेडी है, इसकी पिक्चर लेने, एक मिनट, यहां पे जो हाईलाइट करने वाली बात है वो तो बताऊं आपको। दोस्तों ये एग्जाम्पल की वो बात है,
सही है, बात क्लियर हो गई। नहीं दोस्त, इसको विन विन नहीं कहेंगे। इसमें सेठ और बॉस ही जीता है अभी तक, इसे विन विन नहीं बोलेंगे। ऑलराइट चले भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने भाई स्क्रीनशॉट जल्दी बताएं प्लीज प्लीज प्लीज, एक दो ही लोग बता दें बस, स्क्रीनशॉट देने। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, टेल्स एंड टॉक्स आए, रेडी हो जाएं, टेल्स एंड टॉक की बात करते हैं। अब दोस्तों टेल्स एंड टॉक के अंदर डिसीजन इज टेकन बाय मैनेजर, थोड़ी बैकग्राउंड रीजनिंग के साथ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़ा सा उसको बता रहे हैं, देखो यार ये मजा था, और फिर उसके बाद एंड देन इट इज प्रेजेंटेड टू दी टीम फॉर इनवाइटिंग क्वेश्चंस ओवर इट। दोस्तों आपको पता है, अब सुनिएगा मुझसे, आपको पता है यार ये सब कोरोना वायरस के मसले हुए, अब आके ऑफिस खुले हैं, अब तो हमें देर तक काम करना पड़ेगा, अब तो ये मसाइल हैं वो मसाइल हैं। ये सारी बात करने के बाद, ये सारी बातें करने के बाद आप मुझे बताएं, एंड में अगर मैं ये बोलूं कोई सवाल है, तो ये सवाल जो है ना फॉर्मेलिटी में है, कि कोई सवाल पूछेगा तो उसके लिए इट विल बी इजी टू एक्सेप्ट द डिसीजन। असल गेम ये है, असल बात ये है, वो खुश हो जाएंगे यार हमसे पूछ के किया है। ठीक है, एग्जाम्पल्स तो इसकी काफी है, एक एग्जाम्पल अभी शेयर भी करते हैं। जबरदस्त, इसमें असल में उनको इंपॉर्टेंट फील करा रहे हैं कि जी हमने फला की मुशावरत के साथ, फला की डिस्कशन के साथ, इन इन कनेक्शन विथ, इन अकॉर्डेंस विथ, बाय द ज्वाइंट कंसेंसस ऑफ, बाय हैविंग अ प्रॉपर 3 आवर डिस्कशन इन मीटिंग विथ एबीसी एबीसी एबीसी, एंड फिर हमने ये डिसीजन लिया है। एग्जाम्पल, आई हैव डिसाइडेड दैट वी विल सिट लेट एंड वर्क ऑन वीकेंड्स टू दिस रमजान, सो दैट वी हैव लॉन्ग ईद हॉलीडेज। ये सब कहने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, व्हाट डू यू पीपल से, क्या कहते हो तुम लोग? इन अदर वर्ड्स मैं ये कह रहा हूँ कि कोई पूछे मतलब, व्हाट डू पीपल से, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, तुम इस बारे में क्या समझते हो? अब मुझे तुम लोग बताओ दोस्तों के ये जो पूछना है, ये जो पूछना है ये एक्चुअल में पूछना भी है कि नहीं है? नहीं है ना दोस्तों, बताएं क्या ये पूछना भी कोई पूछना है, बताएं जी, नहीं ना। तो टेल्स एंड टॉक्स इसका नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि इसमें थोड़ी बात कर लेते हैं। हाँ बेटा बोलो, ऐसे नहीं कहते, हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? अब ये जो पूछ रहे हैं ना, हाँ बेटा बोलो, इस बोलने के अंदर ही वो ये बता रहे हैं कि बेटा मत बोलो, क्योंकि जो तुम बोल रहे हो उसको डिसमिस कर दिया जाएगा, फैसला तो बड़े कर चुके। कुछ लोग लिख रहे हैं ये जीना भी क्या जीना है, ऐसा नहीं लिखे, ऐसा नहीं लिखे, ये तो फिर भी बहुत अच्छा जीना है। अच्छा जी चले आगे बढ़ते हैं, कंसल्ट। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रॉपरली स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज।
ऑल राइट दोस्तों, डन है जी। डिसीजन याद रखें, वन हो, टू हो, थ्री हो, फोर हो, इन सब में डिसीजन इम्पोज ही होता है, इन सब में डिसीजन इम्पोज ही होता है। एंड में बाद में हम सारे स्क्रीनशॉट जिनके मिस हो गए हैं उससे बात कर लेंगे। केस फोर कंसल्ट्स, पहले का नाम क्या था, टेल्स, फिर टेल्स एंड सेल्स, फिर टेल्स एंड टॉक्स, और अब क्या आया, कंसल्ट्स। कंसल्ट्स, अब जरा इसको पढ़ें। केस फॉर कंसल्ट्स, दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द प्रोविजनल डिसीजन टू द डीन। ये वर्ड है दोस्तों, ये मैं खास तौर पे आपको दिखा रहा हूं, इसके मार्क्स है। कहते नहीं भाई, इसके पैसे, इसके मार्क्स है, ठीक है। अब और से देखो, प्रोविजनल डिसीशन टू द टीम, प्रोविजनल डिसीशन, और मेंबर्स कैन डिस्कस द डिसीशन, तबादला ख्याल, और वो अपने मैनेजर को व्यूज बताएंगे, सर आपने जो हमसे एक प्रोविजनल डिसीजन शेयर किया था, हमारा इसके बारे में ये ख्याल है। फिर मैनेजर बोलेगा, अच्छा हाँ मैं कंसीडर करता हूं तुम्हारी बात, और फिर वो फाइनल फैसला लेगा। लेकिन मैं भी बताऊं आपको, इसके अंदर आपको फीलिंग क्या आ रही है, बताओ फीलिंग क्या आ रही है, क्या अभी भी, क्या इसमें भी मैनेजर इवेंचुअली तकरीबन अपनी ही चलाएगा और लोगों को खाली इन्वॉल्व कर रहा है, ये वाली फील सबको आ रही है जी? हमारा सजेशन लिया जा रहा है, बिल्कुल एक माहौल बनाया जा रहा है, सुनो सबकी, राइट करो, तो सब कभी कोई एक्सेप्शनल बात आ जाएगी सामने, कोई बहुत ही काम की बात कर दी इन बच्चों ने यानी जूनियर्स ने, तो उसकी बात सुन लेंगे, वरना उसकी बात नहीं सुनेंगे। ये सब कंसिडर करने के लिए है, क्लियर हुई बात? दिस मेक्स द सबऑर्डिनेट्स फील मोर इन्वॉल्व, सबऑर्डिनेट्स और इन्वॉल्व फील करेंगे। ये बात समझ में आई दोस्तों को? मेरे भी ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, सही है जी। एग्जाम्पल क्या है, यू बोलेगा मैनेजर, दिस डिसीजन हैज बीन टेकन, व्हाट डू यू पीपल सजेस्ट, और फिर पूरी बात सुनने के बाद, उनके मशवरे सुनने के बाद, ये सारे मशवरे, सारे डॉट्स नहीं मशवरे, ये सुनने के बाद वो कहेगा, अच्छा चलो देखते हैं, फिर दो तीन घंटे बाद, कुछ दिनों बाद, जो भी, एक फाइनल डिसीजन ले आएगा। मैं रिपीट करता हूं, देखो तुम्हें ये जरूर समझ में आना चाहिए कि कंसल्ट्स में और टेल्स एंड टॉक्स में फर्क है। कंसल्ट्स और टेल्स एंड टॉक्स में ये फर्क है कि कंसल्ट्स में ये नहीं बोला जाता हम फैसला कर चुके हैं, बोला जाता प्रोविजनल फैसला है, वो कहते हैं ना इस पे नजरे सानी हो जाएगी, और
और सबऑर्डिनेट की कोई बहुत ही काम की बात होगी तो कंसिडर की जाएगी। अब इससे वो लोग मोर इन्वॉल्व फील करेंगे। डेफिनेटली आप ये जानते हैं कि कंटिन्यूम में लेफ्ट हैंड साइड से अब मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। समझ में आ गई बात दोस्तों को? बेहतरीन हो गया। अगली बात, स्क्रीनशॉट टाइम। जी जी SST स्क्रीनशॉट टाइम, जल्दी से भाई दोस्तों। जी बिल्कुल, हम लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं। फरमाइश आई है कि डिफरेंस को रिपीट कर दें, आपकी खिदमत में डिफरेंस हाजिर है। जी एग्जांपल्स पेपर में लिखने को आ सकती हैं, लिखी जा सकती हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल, तभी आपके लिए एग्जांपल लिखी जा रही है। जी डिफरेंस पूछा है। टेल्स एंड टॉक्स में ये था कि मैजन ने रीजनिंग दी बैकग्राउंड और बोला हां भी कुछ पूछने, पर फैसला हो चुका। यानी जो फैसला हो चुका उस फैसले के बारे में कुछ पूछने तो पूछ लो। यहां फैसला नहीं हुआ, यहां फैसला पेंडिंग में डाल दिया, आप समझे, प्रोविजनल कर दिया कि अभी इसमें थोड़ी सी चेंजेस की चांसेस बाकी है। दोस्तों हमारे पास कुछ टाइम बाकी है, हमें 3 केसेस कवर करने हैं, थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। आप कंटिन्यूम को जैसे बनाएंगे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, वो छोड़ दें, बस आपने यूं बोलना है वी आर मूविंग फ्रॉम डिक्टेटरशिप, फ्रॉम वन एंड कम्युनिकेशन, फ्रॉम टिपिकल वन एंडेड थिंग टू द डेमोक्रेटिक साइड। क्लियर हो गई बात? ये ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 3 केसेस हैं, अब तीनों केसेस बहुत करीब करीब हैं, फटाफट समझ में आ जाएंगे और हो सकता है कि आपको इनको रिवाइज करने के लिए, स्पेशली जो आखिरी आधे घंटे का लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, लिंक भी ग्रुप में आ जाएगा, आपने जरूर देख लेना है। क्योंकि लोग जब नेट पे सुन रहे होते हैं लाइव, तो कुछ लोग सुन रहे होते हैं, कुछ लोग सुन भी होते हैं, अभी दोपहर में उठे होते हैं, अभी जोहर की नमाज भी अदा करनी होती है, कुछ लोगों का नाश्ता भी नहीं हुआ होता, ग्रुप पे शुरू हो गए, ये बिल्कुल दिख रहा है, सब कुछ पता चल रहा है। तो हम आपको जानते हैं, लोग कह रहे हैं जो बात है, तो भाई यही बात है, ठीक है जी। केस नंबर 5, अब रेडी हो जाए दोस्तों। ओए होए, कुछ लोगों ने मुंह भी नहीं धोया, भाई ये तो जुल्म कर दिया आपने, उठे मुंह धोकर आ जाए। चले भाई केस 5 दोस्तों, जागे। केस 5 का नाम है इन्वॉल्व्स, केस 5 का नाम है इन्वॉल्व्स। द मैनेजर्स प्रेजेंट्स द सिचुएशन और प्रॉब्लम टू द टीम। अब वो फैसला करके नहीं आ रहा, नोट कीजिएगा, प्रेजेंट्स द सिचुएशन और प्रॉब्लम टू द टीम। बोलता है यार ये मसला है, सजेशन उनसे लेता है, तुम बताओ इसका क्या हल है, एंड देन डिसाइड्स। फैसला खुद करता है, लेकिन जितनी इज्जत इसने आज तक अपने जूनियर्स को नहीं दी थी, उतनी इज्जत आज इसने दे दी है अपने जूनियर्स को। मैं रिपीट कर रहा हूं, केस 5 वो है, इसमें इतनी इज्जत दे दी है अपने जूनियर्स को जितनी कभी नहीं दी थी इसने। कितनी इज्जत भाई, यानी यहां पर कंसर्न फॉर पीपल हाई हो गया। शाबाश, किसी ने लिख भी दिया है, जबरदस्त। यहां पर आपके जो जूनियर्स हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो एक्सपीरियंस भी हैं,
वो टेक्निकली सॉलिड भी है। अब द मैनेजर प्रोवाइड्स देम विद सम ऑप्शंस, वो उसे खुद ऑप्शंस देता है, देखो बेटा दिस इज प्रॉब्लम Y32, ये एक सॉफ्टवेयर का मसला हुआ है, प्रॉब्लम का नाम बताएं Y32। वो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम को बोलता है ए बी या सी, चूंकि अभी तरबियत कर रहा है वो, तो वो कहता है या तो ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा। द मैनेजर प्रोवाइड्स देम विद द ऑप्शंस एंड वर्क्स एंड इट वर्क्स वेयर द सबऑर्डिनेट्स हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। याद रखिएगा, उन्हीं सबऑर्डिनेट से आप मशवरा ले सकते हैं जिनके पास कुछ तजुर्बा, कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, एक्सपर्टीज मौजूद है, उन्हीं से आप बात कर सकते हैं। तो अगली बात, एग्जाम्पल, मैनेजर आएगा अपनी टीम के पास। अब मैनेजर की मैं रोल बताता हूं, किस मैनेजर की बात है। फॉर एग्जाम्पल समझे सॉफ्टवेयर मैनेजर है, और सॉफ्टवेयर मैनेजर अपनी टीम से कह रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम से, कि दोस्तों Y32 एक मसला हुआ है इनकी प्रोडक्ट में, वी हैव गॉट 3 ways टू डील विद इट, उनको सिखा रहा है। व्हाट डू यू पीपल से, वो मशवरा करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर वो आएंगे कि ए ऑप्शन में ये है, बी में ये है, सी में ये है, ये ए बी सी तीनों में से वो एक सिलेक्ट करके बताएंगे, और जो वो बताएंगे दोस्तों उसके ऊपर मैनेजर फैसला करेंगे। लेकिन याद रखें डिसीशन टेकन बाय मैनेजर। दोस्तों अब स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, डन। केस नंबर सिक्स, डेलीगेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कुछ लोग कह रहे हैं स्क्रीनशॉट, जल्दी से दोस्तों प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट, डन। हाँ दोस्तों डन, चल केस नंबर सिक्स डेलीगेट्स। यहां पर लीडर आएगा यानी मैनेजर आएगा, वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेगा, और अब वो ऑप्शन नहीं देगा, वो उनको एक लिमिट दे देगा कि फॉर एग्जांपल यू हैव गॉट 20 days एंड योर बजट इज दिस मच रुपीज, मुझे इतने दिन के अंदर इतने बजट के अंदर मसले का हल निकाल के दो। यानी उनको उनकी लिमिट्स बता देगा कि आप जो मशवरा देंगे ना हमें, अब जो भी सोल्यूशन लेकर आएंगे, रिमेंबर 20 days के अंदर वो इंप्लीमेंट हो सकता हो और उसकी कॉस्ट इतनी इतनी आए। पार्डन एक्सक्यूज मी, जी। सो एंटायर डिसीजन मेकिंग इज डन बाय टीम मेंबर्स एंड दिस रिक्वायर अ मैच्योर टीम। देखिए दोस्तों यहां पर प्रॉब्लम बता दिया, एग्जांपल देखिए, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, वो कह रहे हैं हमारे पास रिटर्न सही नहीं आ रहे,
हमें कम से कम 15% रिटर्न चाहिए, रिटर्न 10% तक आता है मुश्किल से, ठीक है, प्रॉफिट्स। अब हमें नहीं पता कि रिटर्न कैसे आएगा, जो इन्वेस्टमेंट डिवीजन का लीडर है, इन्वेस्टमेंट डिवीजन का हेड है, इन्वेस्टमेंट हेड, वो आकर अपनी टीम से ये बातें करता है, रिपीट, इन्वेस्टमेंट्स का जो हेड है वो आके अपनी टीम को बोलता है, वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स, योर बजट इज $10 मिलियन, मेक इन्वेस्टमेंट्स एंड गेट द बेस्ट रिटर्न्स। अब फॉर एग्जाम्पल वो कंडीशन भी लगाता है, विद इन 3 क्वार्टर्स, 9 महीने, विद इन 2 क्वार्टर्स, विद इन 4 क्वार्टर्स, विद इन 6 क्वार्टर्स, तो वो, या विद इन विद इन 1 क्वार्टर, 3 महीने के अंदर नतीजा चाहिए। तो 3 महीने में वो चाह रहे हैं पैसे हो जाएं ऐसे कि वो रिटर्न ला के दे दें, फिफ्टीन परसेंट का। मैं रिपीट कर रहा हूं बात, गौर से सुनिएगा। हम एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एक म्यूचुअल फंड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, एग्जाम्पल एसेट मैनेजमेंट कंपनी की है। और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में मसला यह हुआ है कि रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो अब पैसा वो चाह रहे हैं 15% तक बढ़ जाए, तो 10 मिलियन का बजट दिया और बोला भाई 1 क्वार्टर में आप ये पैसे को 15% तक ले आए, ये मसले का हल आप निकालेंगे, कहां पैसा लगाना है, कहां क्या करना है, क्योंकि टीम मिच्योर है तो आपको परेशानी नहीं है। अब आप बोल रहे हैं मुझे इनको डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑन देयर ओन चलेंगे, इस बात को, इस स्टाइल को डेलीगेट्स कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, K7 में डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत ही क्विकली, K6 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जी ऑफ हो रहा है लेकिन K7 के बाद ऑफ होगा, K7 के बाद बस ऑफ होने लगा है जी, बिल्कुल, ये आखिरी केस डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हमारी क्लास ऑफ है, 1 मिनट दीजिए प्लीज। कंटिन्यू करते हैं बात, गौर से देखिएगा प्लीज। डीएम का फुल फॉर्म है डिसीशन मेकिंग, एसएसटी का फुल फॉर्म पूछा है स्क्रीनशॉट टाइम, सही है जी, अच्छा जी, एबडिकेट्स, सबसे लास्ट और सबसे आसान, सबसे लास्ट और सबसे आसान, सबसे लास्ट और सबसे आसान, एबडिकेट्स, एबडिकेट कहते हैं मेरे दोस्तों, द मैनेजर अलाउज द टीम टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मैनेजर कहता है प्रॉब्लम भी खुद ढूंढो, प्रॉब्लम भी खुद ढूंढो, नंबर वन, नंबर टू, ऑप्शंस भी खुद बनाओ, खुद एक्शन लो लिमिट्स के अंदर, यानी सब खुद करो, सब खुद करो। फॉर एग्जाम्पल ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम तुम्हें देते हैं, अब तुम्हारा काम है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेसिस पर कैसे बेस्ट रिटर्न्स लेकर आओगे, ये तुम्हारा काम है कि तुम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हुए सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तुम देखो सोर्स ऑफ फाइनेंस कहां से लाना है,
तुम देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, तुम देखो रिटर्न कहाँ से अच्छा आएगा, ये सब चीजें तुमने देखनी है। बस हमने तुम पे ट्रस्ट किया, तुम सारा काम करोगे, ये समझ जाओ ये फ्यूचर में डायरेक्ट जाकर, ये फ्यूचर में डायरेक्ट जाकर मैनेजर ही बनेगा बंदा। तो दोस्त इन सब का रिकॉल करने के लिए, रिवीजन के लिए आपके पास इसका लेक्चर होगा, और एक क्वेश्चन आया है आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो बीएमबीएस के कोऑर्डिनेटर हैं उसामा, हमने उनको एक क्वेश्चन दिया है, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन भेजा है। वो जो क्वेश्चन उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है, वो क्वेश्चन मेरे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ में एक क्वेश्चन आया है आपके पास, वो आपने करके रखना है, और ग्रुप का लिंक और लास्ट टू क्लास के लेक्चर्स भी आपको लिंक के साथ भेजनी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इस पूरी थ्योरी का नाम है दोस्तों टेनेनबाम एंड शिमेल कंटिन्यू। फर्स्ट का किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, मैं उसके सामने एक दफा स्क्रीन दिखा रहा हूं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट लेना है वो प्लीज देख लें। केस वन, केस टू, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, केस सिक्स, केस सेवन। अगर किसी के पास लिंक कॉपी नहीं हो रहा, कोई परेशानी की बात नहीं है, डायरेक्ट मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहीं से आपको सब चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे। दोस्तों आज की क्लास का आई होप क्लास समझ में आई होगी, अच्छी क्लास गई होगी आपकी। थैंक यू सो मच, आप लोग सब एक्टिव रहे। क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज चुके हैं हम लोग, हमारा जो बीएमबीएस का ग्रुप है उस ग्रुप पे हम भेज चुके हैं, जो लास्ट क्लास में हमने ग्रुप शेयर किया था, उस ग्रुप का लिंक मुझसे व्हाट्सएप पे ले लीजिए, उस पर वापस से क्वेश्चन आ जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।